कि अगर तुम अपना खूबसूरत दीन दूसरों तक नहीं पहुंचाओगे, अगर तुम दावत इलल खैर का काम नहीं करोगे, नेकियों का हुक्म नहीं दोगे, बुराइयों से नहीं रोकोगे, ना आम दर्जे पे ना ख़ास दर्जे पे, तो फिर वो तुम्हें ही आकर मार जाएंगे। देखिए कॉकरोच ना मारें, हाय बेचारे कॉकरोच, हाय कॉकरोच, इनको कौन नसीहत करे, तो एक दिन वो आके कानों आपके बालों में घुस रहे होंगे, आपके सारे घर में वो घुसेंगे। एक छोटे से कॉकरोच के बारे में जो फैसला है अल्लाह का, वही दुनिया के बड़े बड़े फसादियों के बारे में। या तो उनका कुफर ख़त्म कीजिए, इस्लाम को आम कीजिए, दावत करिए, कुरान सिखाइए, कुरान के अमली नमूने बनिए, आपको देखकर वो भी बदल जाएंगे। इसमें आम लोगों को भी हुक्म दिया गया, ख़ास लोगों को भी कह दिया गया। ये असल में बींग अ नेशन ये जिम्मेदारी है, और आज हम इसको भूले हुए कि उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल और उसका हल, यही टॉपिक है इस साल भी, इसमें से ये निकल नहीं सकता। उम्मत मुस्लिमा को नुसरत इलाही को पाने के लिए जो काम करना है सबसे बड़ा, वो दावत इल्लाह का है। लोगों के दिल अल्लाह से जोड़ दीजिए, जब दिल अल्लाह की तरफ जुड़ते हैं तो आप देखते हैं बाकी नाम सीधे हो जाते हैं। आप देखिए कि कुछ लोग जब नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो कुतुब नुमा की सुई की तरह से सीधा उल्टा टेढ़ा, नहीं इतना कम इतना देखते हैं, लेकिन अगर आप उनकी सुबह शाम की एक्टिविटीज़ देखें, उनका लाइफस्टाइल देखें, तो वो खुदा रुखा नहीं होता, उसके अंदर उनको दिलचस्पी नहीं होती, और ख़ुद साख्ता दीन खुदा साख्ता दीन के मुकाबले पर आता है। आज उम्मत मुस्लिमा जो 1 बिलियन 2 बिलियन के करीब है, क्यों वो काम नहीं कर पा रही, उसकी वजह क्या है कि लोग अल्लाह के दिए हुए दीन से ज़्यादा अपने बनाए हुए दीन पे। फ़र्क क्या पता है आपको? खुद साख्ता दीन कौन सा है जो आज हमारे कल्चर में आम है? लोगों की बातें, लोगों की किताबें, लोगों के हवाले। खुदा का दीन वो है जो आप पढ़ रहे हैं इस वक्त, चार चौथा पारा तो आज आ ही गया ना। अल्लाह का जो दीन होता है ना, इसमें हमेशा बुनियादों पर बात होती है। आप रोज़ सुन रहे हैं, आपने ईमान की ब्रांचेस तो माशाल्लाह पढ़ ली, पीछे 6 तो पढ़ ली ना। पहली क्या थी? अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, और इसी तरह आगे अकायद पढ़ रहे हैं। अभी इसको छेड़े बगैर आप जाके लोगों की नेल पॉलिश उतारने लग जाएं, इसको छोड़े बगैर जाकर आप उनको नफली नमाजें पढ़ानी शुरू कर दें, औरत और मर्द की नमाज का फ़र्क देखें और बताइए कि जी वो तस्बीह नमाज ठीक है कि नहीं, अच्छा ये करो तो ये वो तो करो, साइड की चीज़ों में। जो खुद साख्ता दीन है ना, याद रखिए कि उसमें रेशो प्रोपोर्शन बदलेगा। जो दीन आप अल्लाह से लेंगे ना, उसमें हर चीज़ बैलेंस होगी।